नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही सिंपल करेले की भरवा कलौजी। तो चलिए हम बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने यहाँ पर देखिए छोटे वाले करेले लिए हैं। छोटे वाले करेले का भरवा कलौजी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। तो अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर से थोड़ा सा हल्का सा नाइफ से इस तरीके से कर देंगे तो फिर जो है खाने में कड़वा नहीं लगेगा। तो चलिए इसी तरीके से हमें जितने भी करेले हैं कर देना है और इसके किनारे किनारे निकाल देना है। इसके बाद बीच में इस तरीके से चीरा लगाकर देख लेंगे, चेक कर लेंगे भी, और इसे आप इस तरीके से करके तैयार कर। तो हमने देखिए सारे करेले को रेडी कर लिए हैं। तो इसे अब हम चलते हैं फ्राई करने के लिए। देखिए एक पैन ली है और इसमें हम सरसों का तेल डाल देंगे। सरसों हम 3 बड़े चम्मच डाल रहे हैं। तो तेल गरम हो गया है तो इसमें हम देखिए करेले डाल देते हैं। अब इसे हम मीडियम लो फ्लेम पर खूब अच्छे से फ्राई करते हैं। इसमें हम 2/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। इससे करेले बहुत ही जल्दी से पक जाएगा। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे 5 मिनट के लिए ढककर इसी तरीके से फ्राई होने देते हैं मीडियम लो फ्लेम पर। 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, तो देखिए बारीक काट लिए हैं, और 8 से 10 लहसुन के कलिए, 2 हरी मिर्च लिए हैं, 1/2 चम्मच जीरा लेंगे। अब इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं मिक्सी के जार में पीस कर। करेले को फ्राई करने में टोटल हमें 7 मिनट लगे हैं और 7 मिनट में बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है। तो इसे हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। पीसे के बचे हुए तेल में हम जो मिक्सी के जार में पेस्ट तैयार किए हैं इसी में डाल देते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर इसे जरूर डालें, 1/2 चम्मच मिक्स गरम मसाला। अब इन सारी चीजों को खूब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे 2 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर पकने देते हैं। तो इसे फ्राई करने में हमें 3 मिनट लगे हैं। 3 मिनट में मसाले बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। तो गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। आप देख सकते हैं इस करेले में गर्मा गर्म मसाला ही हमें भर देना है। बस ये फटाफट इस तरीके से आप करेले में जितने भी मसाले हैं इसी तरीके से भर देना है और ये करेले का भरवा बनकर रेडी हो गया। आप सबको ये करेले का भरवा कलौजी बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका कैसा लगा इसे हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर आप सबसे मिलते हैं किसी अच्छी रेसिपी में। अभी के लिए नमस्कार, बाय बाय।